हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आस्था फैमिली ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी बढ़िया हैं। वहाँ सब पैंट टंग रहा है, बारिश का मौसम है फ्रेंड, कहाँ कहाँ कपड़ा टंग रहा है पता नहीं है। क्योंकि आज दिन थाईलैंड में कम से कम 4-5 महीने से इतना बारिश हो रहा है कि वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा है। कपड़ा घर के अंदर सुखाना पड़ता है और उधर अलमारी के पीछे मिरर में हम आ रहे हैं। और फ्रेंड आज चलते हैं किचन में, एक रेसिपी है जो रिक्वेस्टेड रेसिपी है उसको बनाना है। कल हम डाले थे एक शॉर्ट वीडियो, वो कॉर्न का वीडियो था, वैसे ही नाश्ता के लिए बनाए थे तो उसको शॉर्ट वीडियो में डाले थे। तो रिक्वेस्ट आया है कि उसका रेसिपी चाहिए, तो आज हम बनाएंगे। और वो वीडियो क्या बोलते हैं ना कि उसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप सब बना के ट्राई करिएगा कि उसमें मेहनत बहुत ही कम है और खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं उसको बनाना। और आज देखिए बाथरूम से आ गई है और हमको बोल रही है कि नाइस एंड क्लीन, हमेशा बाथरूम में घुस के धोते रहती है हाथ पैर। चलिए फ्रेंड बनाते हैं। ये रहा कॉर्न जो कि हम कल बनाए थे, तो इतना बच्चा है, ये डालते हैं और कल ही धुल लिए थे, तोड़ देते ना क्योंकि ये जो है भगोना छोटा है और कॉर्न बहुत बड़ा है। और इसमें डालेंगे पानी, पानी इतना डालेंगे ना कि ये कॉर्न डूब जाए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे नमक। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, आधा ही चम्मच डालेंगे। और गैस करेंगे ऑन और ढक्कन लगा देंगे, 15 से 20 मिनट तक बॉईल करेंगे इसको। यस बेबी। उसके बाद फ्रेंड्स हम ये लेंगे टमाटर, आप थोड़ा ज़्यादा पका लीजिएगा, मेरे पास नहीं था, खत्म हो गया था, इतना ही पकाया। और एक लेंगे प्याज, इसको छोटे छोटे कट करेंगे। इतना ही छोटा छोटा आप भी कट करें। और आप लोग जो कॉर्न लेना वो काफ़ी हार्ड ना लें और ना ही काफ़ी सॉफ्ट लें, क्योंकि जो हार्ड वाला रहता है ना उसमें टेस्ट नहीं आता है। और जो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा वो क्या बोलते हैं, वो निकालते हुए नहीं बनता है, निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और ये टमाटर कट हो चुका है, अब इसके बाद लेंगे प्याज। देखिए कितना है, ज़्यादा बारीक भी नहीं है, ऐसे ही आप लोग को भी कट करना है। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा लिए हैं ये 2 हरी मिर्च है और थोड़ा सा लहसुन है, इसको कूट लेंगे। कितना है आपको दिखाते हैं, देखिए कितना है। और ये इंडिया से लहसुन लाए थे ना, इसके लिए काफ़ी छोटे छोटे हैं। अब फ्रेंड करेंगे गैस को ऑन। और इसमें डालेंगे हल्का सा ऑयल, एकदम हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे। क्योंकि थोड़ा सा प्याज और लहसुन को ही गलाना है, कॉर्न तो हमारा पका हुआ रहता है। और ऑयल पूरा डालते हैं ना, तो ये
लहसुन और मिर्च को देते हैं। हम ज़्यादा तीखा नहीं करते इसके लिए, मेरे हस्बैंड नहीं खाएंगे। और ये मिर्च ना काफ़ी तीखा है, बहुत ज़्यादा तीखा है। दो चार सब्जी में डाल देंगे, सब्जी काफ़ी तीखा हो जा रहा है। और इसको जलाएंगे नहीं फ्रेंड, साथ में ही डाल देंगे प्याज और टमाटर को। और गैस को एकदम लो रखेंगे क्योंकि ये जल्दी ना जल जाएगा, क्योंकि हमें ना ये टमाटर और प्याज को भी पूरा गलाना नहीं है, बस थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है। और थोड़ा सा डालेंगे एवरेस्ट मसाला, बहुत हल्का सा। और फ्रेंड ट्राई जरूर कीजिएगा, एक बार ट्राई करेंगे तो रोज रोज बना के खाएंगे, इतना ये इतना टेस्टी लगता है। और हल्का देंगे इसमें नमक, क्योंकि कॉर्न में बॉईल करते समय हम नमक दिए थे, इतना सा नमक डालेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, 2 से 3 मिनट पकाएंगे, क्योंकि कॉर्न ऑलरेडी पका हुआ है। बस इसमें नमक और ये मसाले मिक्स हो जाए अच्छे से, 2 से 3 मिनट पकाइएगा फ्रेंड। और उसके बाद गरम गरम खाइएगा। गैस बंद करते हम इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए ढक देंगे, काफी अच्छे से मसाला ना मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये हो चुका है रेडी, अब इसको हम कर लेंगे सर्व। ज्यादा देर अगर छोड़ के रखेंगे तो ये हो जाएगा ठंडा, फिर खाने में नहीं आएगा मजा। और खाने बनाने और खाने के बाद प्लीज फ्रेंड आप लोग मैसेज करिएगा किस किस ने बनाया और किस किस को लगा अच्छा। और ये देखिए फिर ये आ गया रेडी होके। और थोड़ा सा धनिया का पत्ती लेंगे और इससे इसका कर देंगे गार्निशिंग, ताकि ये अच्छा भी लगेगा और जब खाते हैं ना उसमें धनिया का पत्ती का टेस्ट भी अच्छा लगता है। आप खा के बताएंगे फ्रेंड, आप लोग मैसेज करेंगे कि ये कैसा लग रहा था। और सब लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर तो 12 महीना ये कॉर्न मिल जाता है।
एक्चुअली हस्बैंड को देते हैं, पूछते कैसा लग रहा है, और आ गया फ्रेंड हस्बैंड के पास, मिट्टी खा ली क्या बताते हैं। अरे पापा सच वाला बोलिएगा, ये सच बोल खराब ही कैसे तीखा है, दो ही मिर्च डाले थे, अब तीखा लगता है तो नहीं खाते, एक ऐसे कर लेंगे। और फ्रेंड आप लोग भी फटाफट बना के खाए और बताए कि कैसा है। अनुराग को बहुत बारिश से भी गए थे, आस्था भी तो सो रही है, वो सोफा पे ही सोती है, हम लोग बेड पे सोती ही नहीं है, उसको कितना भी रात को बेड पे लाएंगे ना वो आती नहीं है। दो शब्द आप भी प्रकट करें ओझा जी, आने के बाद लग नहीं रहा कि ये कोई मकई का बना हुआ। आप लोग देखिए क्या चल रहा है, आप लोग खाने में फ्राई मक्खी, मास्टर बोलते हैं मक्खी, आशा बोलते हैं मक्खी, कौन बोलते हैं कौन, इसको बोलते हैं मक्खी, और जो वो नहीं आता पॉपकॉर्न उसको बोलते हैं कॉर्न, और एक यहाँ पे बॉईल करके और उसको ना सेक के देता है, पूरा छिलका के साइड रहता है, उसको क्या बोलती है भागकॉर्न, हाँ उसको बोलती है भागकॉर्न, उसको खाना रहेगा तो बोलेगी डेडा कॉर्न। Yeah.